हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार लेकर आज हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 21 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं साथियों। ये हमारे करंट अफेयर्स का डोज नंबर 16वां डोज है साथियों। डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी चल रही है तो उससे बच कर रहें, टाइम पर सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें साथियों। इसके अलावा यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा यह है करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मार्च को, ऑप्शन बी 19 मार्च को, ऑप्शन सी 20 मार्च को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। दुनिया भर में वर्ष 2013 से जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की। तो 2013 से ये शुरू हुआ था और इस बार भी ये मनाया गया और हर वर्ष यह 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 मार्च। साथियों, इस साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस था वो कैंपेन जो था उसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। इस मौके पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अभियान ने विश्व में रह रहे लगभग 7.8 बिलियन लोगों और पृथ्वी के सभी 206 देशों और क्षेत्रों से एकजुटता से खुशहाल रहने और साथ मिलकर कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर जनता कर्फ्यू की अपील किस दिन के लिए की है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च और ऑप्शन डी 25 मार्च। दोस्तों, गुरुवार की शाम को कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, कोरोना वायरस के लिए और उन्होंने जनता से जनता कर्फ्यू की अपील की है और जनता कर्फ्यू की अपील की है 22 मार्च के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 22 मार्च। और यह क्या है जो जनता कर्फ्यू है, यह लोगों द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू होगा जो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावा पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति रविवार की शाम को 5 बजे ताली बजाकर उनका आभार व्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है, यानी कि प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यह फैसला लिया तथा इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को के क्रम में सरकार ने 11 सितंबर 2019 को पदोन्नति में लगाई रोक को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। तेजस लड़ाकू विमान जिसे भारतीय वायुसेना के लिए खरीद की मंजूरी दी गई है का डिजाइन किसने किया है? ऑप्शन ए DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने, ऑप्शन सी लार्सन एंड ट्रूबो और ऑप्शन डी रिलायंस डिफेंस ने। दोस्तों, तेजस
स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसका जो डिजाइन है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत विमान विकास एजेंसी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किया है। तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? DRDO ने। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक कुल कितने किलोमीटर के ब्रॉड गेज मार्ग का विद्युतीकरण करने की योजना पर काम कर रहा है? ऑप्शन ए 27,790 किलोमीटर, ऑप्शन बी 28,810 किलोमीटर, ऑप्शन सी 29,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 29,210 किलोमीटर। साथियों, रेलवे, भारतीय रेलवे जो कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे है, इंडिया का क्या विश्व का भी सबसे बड़ा रेलवे है। इस जो रेलवे है वो 2023 तक लगभग 28,810 किलोमीटर ब्रॉड गेज मार्ग का विद्युतीकरण कर देगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 28,810 किलोमीटर। साथियों, इसके अलावा रेलवे सौर मिशन के तहत लगभग 1000 मेगावाट और ऊर्जा में से 200 मेगावाट ऊर्जा तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन पर आधारित पवन ऊर्जा से प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। इस ऊर्जा से लगभग 204.82 मेगावाट, 101.42 मेगावाट सौर ऊर्जा से और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा से के पहले से ही नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है, यानी कि 204.82 मेगावाट का नेटवर्क पहले स्थापित कर दिया है। अब 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा से और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्त करने की सोच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, राजनीतिक घमासान के बीच किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों, मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य विधानसभा में 20 मार्च 2020 को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले ही राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने 22 विधायकों के साथ कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और समर्थन वापस लेते ही सरकार, कमलनाथ की सरकार संकट में आ गई थी। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च का फ्लोर टेस्ट का टाइम दिया था और उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा वहां के राज्यपाल लालजी टंडन को सौंप दिया था। कमलनाथ जी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? ऑप्शन ए विश्वास एक्सप्रेस, ऑप्शन बी गरिमा एक्सप्रेस, ऑप्शन सी स्वालंबन एक्सप्रेस और ऑप्शन डी ऊर्जा एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वालंबन एक्सप्रेस। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए स्वालंबन एक्सप्रेस स्टार्ट की गई है। यह ट्रेन लखनऊ से चलेगी और 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी। यह गाड़ी 15 दिनों में लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 122, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 140 के अनुसार और ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 के अनुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 के अनुसार। बताते हैं कि यह मंत्री 2017 में चुनाव जीत गया था और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गया था, तो इन पर दल बदल कानून के तहत यह पुनः मंत्री बन गया था, जिसका दूसरे मंत्रियों द्वारा कोर्ट में विरोध किया गया और अनुच्छेद 142 के तहत इन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। 8 सितंबर 2017 को इस मामले की सुनवाई के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय किसी मंत्री के अयोग्य ठहराए जाने या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी रूस में,
ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी चीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान में, जापान के टोक्यो में, जो कि 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध बहुखेल प्रतियोगिता है, जो कि 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक जापान के टोक्यो में होगी। ओलंपिक खेलों की संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेजबान शहर घोषित किया था। टोक्यो में होने वाले जो ओलंपिक है उसमें इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि पहले से शामिल नहीं थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी रेखा जोशी, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी जोमिमा रोडिगर्द। और इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की बात करें तो शेफाली वर्मा, जो कि सबसे कम उम्र की है, 16 साल 40 दिन में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। शेफाली वर्मा किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा महिला और पुरुष खिलाड़ी बन गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा ने इंटरनेशनल T20 डेब्यू 24 सितंबर 2019 को सूरत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर GK, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचने, कोरोना महामारी से बचने का विशेष ध्यान रखें। कोरोना के लिए घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर कम निकले, जरूरत पड़े तो ही बाहर निकले। साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें, लोगों से दूरी बनाए रखें, दूरी बनाकर रखें, अपने घर में रहें, मस्त रहें, खाए पिए मस्त रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।